हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको क्लास 12 हिंदी और का चैप्टर 3 बात सीधी थी पर, जिसके लेखक है कुंवर नारायण, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो वीडियो पूरा देखना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, इससे आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो मैं इस वीडियो का एक एक पैरा पढ़ूंगा, बस आपको पैरे को मेरे साथ पढ़ना है, उसका एक्सप्लेनेशन सुनते रहना है और उस पैरा को देखना है। तुम्हारा फर्स्ट पैरा है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट तोड़ा मरोड़ा, भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिर आया, फिर बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, और भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए या फिर वह भाषा के उलट फेरवे के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ उसने जो कहा वह भी बहुत कठिन हो गया। तो ये थे हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन। पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझो, बिना पेज के खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही है तमाश बीनों की शाबाशी और वाह वाह। कभी कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, हल ढूंढने की बजाय और वादिक शब्द जाल में फंस गया, बात का पेज खोलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया और कभी उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और भी कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उससे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तुम्हारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर दबस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसकी व्याख्या है, कभी अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा, परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेज के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई, उसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई, उसका मतलब अर्थ नहीं निकल रहा था। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया, जैसे पेज की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई। जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। तो ये थी हमारे लास्ट पैराग्राफ की व्याख्या। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, इससे आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स।